सिर्फ मेरे बताए अनुसार आपको ये काम करना है। उसके बाद से धनतेरस पर आपके घरों से नकारात्मक शक्तियां, बुरे प्रभाव दूर होंगे। आपके घरों में धन की वर्षा होगी। बहुत ही ज्यादा सुख, शांति और समृद्धि मिलेगी आपको। यह साल का लगभग वह समय है जब हर घर रोशनी और दियों से जगमगाता है, फूलों की सजावट से सजाया जाता है। हाँ, धनतेरस, दिवाली त्योहार का पहला दिन बस आने ही वाला है। धनतेरस, जिसे धन त्रयोदशी भी कहा जाता है, दिवाली त्योहार का पहला दिन है। नाम धन को जोड़ा जाता है, जिसका अर्थ है धन, और तेरस जो हिंदू कैलेंडर में कृष्ण पक्ष के 13वें चंद्र दिवस को संदर्भित करता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन समुद्र मंथन या समुद्र मंथन के दौरान देवी लक्ष्मी दूध के सागर से प्रकट हुई। यह दिन महंगे उत्पादों को खरीदने के लिए सबसे भाग्यशाली और आदर्श दिनों में से एक माना जाता है। परंपरागत रूप से लोग धनतेरस पर सोना, चांदी और बर्तन खरीदते हैं, यह विश्वास करते हुए कि यह समृद्धि और सौभाग्य लाता है। इस वर्ष धनतेरस शुक्रवार 10 नवंबर को मनाया जाएगा। लोग इस दिन पीतल, चांदी और सोने की वस्तुएं खरीदते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ऐसा करने से बहुत सारी किस्मत और भाग्य आपकी ओर आकर्षित होगी और बुरी नज़र से सुरक्षा मिलेगी। धनतेरस के दिन हम सभी लोग कुछ न कुछ नई चीज़ें खरीदकर घर में लाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि धनतेरस के दिन हमें क्या खरीदना चाहिए? क्योंकि धनतेरस के दिन कुछ विशेष चीज़ें खरीदने की परंपरा है। अगर आप उन चीज़ों को खरीदते हैं तो आपको इसका अच्छा खासा लाभ होगा। अगर आप गलत चीज़ खरीदेंगे तो इसका आपके ऊपर बुरा प्रभाव भी होगा। अब आपके मन में सवाल आएगा कि कौन सी चीज़ें हमें धनतेरस के दिन खरीदनी चाहिए। तो चलिए अब आगे जानते हैं कि कौन कौन सी चीज़ हमें धनतेरस को खरीदनी चाहिए और कौन कौन सी चीज़ नहीं खरीदनी चाहिए। दोस्तों, लगभग 58 साल के बाद ये संयोग बन रहा है, इसीलिए आपको जो मैं बता रहा हूँ वही चीज़ आप खरीदें। सोना और चांदी। धनतेरस के दिन सोना चांदी खरीदना काफ़ी शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि अगर आप सोना चांदी को इस दिन भगवान धन्वंतरि के ऊपर अर्पित करेंगे तो आपके धन में वृद्धि होगी, क्योंकि समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरि अपने हाथों में सोने का कलश लेकर प्रकट हुए थे, जिसके बाद से बनी परंपरा है कि अगर कोई भी व्यक्ति धनतेरस के दिन सोना चांदी खरीदेगा तो उसके धन में वृद्धि होगी। अगला है झाड़ू। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना काफ़ी शुभ माना जाता है, क्योंकि झाड़ू के द्वारा आपके घर में जितनी भी विपदा और तकलीफ है उससे आपको निवारण मिलेगा, क्योंकि झाड़ू घर में लगाने से आपके घर के सभी नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाती है और घर में सुख शांति आती है। उसके बाद बर्तन। अगर आप इस दिन अपने घर के पुराने बर्तन को बदलकर उसके बदले तांबे, पीतल, चांदी के बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि धनतेरस के दिन पीतल के बर्तन खरीदना काफ़ी शुभ माना जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि पीतल का बर्तन माता लक्ष्मी और बृहस्पति का प्रतीक है। इस दिन अगर आप नए कपड़े खरीद सकते हैं तो आप खरीद लें, क्योंकि धनतेरस के शुभ पावन पर नए कपड़े खरीदना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। लक्ष्मी गणेश की मूर्ति। इस दिन दीपावली पूजन हेतु लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति या चित्र खरीदने से आपको लाभ मिलता है। दोस्तों, धनतेरस में क्या नहीं खरीदना चाहिए ये आप एक बार जरूर ध्यान से सुन लें और इसे आप अपने जीवन में जरूर सुधार लाएं। स्टील, प्लास्टिक की चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए। धनतेरस के दिन लोहा और एल्यूमिनियम की कोई भी चीज़ ना खरीदें। धनतेरस के शुभ अवसर पर कांच की वस्तुएं ना खरीदें, क्योंकि कांच की वस्तुएं खरीदने से राहु का प्रभाव आता है। काली रंग की कोई भी वस्तु धनतेरस के दिन ना खरीदें। नुकीली या धारदार कोई भी चीज़ धनतेरस के दिन ना खरीदें। दोस्तों, इनमें से बताए हुए जो भी चीज़ अगर आप
गलती से खरीद लेते हैं तो आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा बुरा प्रभाव ये डालेगा। धनतेरस पर स्टील के बर्तन, तांबे के बर्तन, पीतल के बर्तन, प्लेटिनम के बर्तन, इन्हीं बर्तन को खरीदने का शुभ माना जाता है। दोस्तों धनतेरस के पीछे की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है, जिसके कारण लोग इस दिन भगवान यमराज की पूजा करते हैं। लोकप्रिय पौराणिक कथाओं के अनुसार एक राजा के पुत्र की कुंडली में लिखा था कि उसकी शादी के चौथे दिन उसे सांप काट लेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। हालांकि जब चौथा दिन आया तो उसकी पत्नी ने इसे बचाने के लिए जगाए रखने का उपाय निकाला। उसे जगाए रखने के लिए पत्नी ने कई कहानियां सुनाई और सांप को लुभाने के लिए उसने प्रवेश द्वार पर गहने और सिक्के रखे। ऐसा माना जाता है कि मृत्यु के देवता सांप के रूप में आए थे। गहने और सिक्के से वो विचलित हो गए। मृत्यु के देवता भी पत्नी की कहानियों से प्रभावित हुए और इस तरह उसने अपने पति के जीवन को बचा लिया। एक अन्य प्रसिद्ध कहानी भगवान धन्वंतरी भगवान विष्णु के अवतार और देवताओं के चिकित्सक की है। इस कहानी के अनुसार जब असुरों और देवों ने अमृत के लिए समुद्र मंथन किया तो धन्वंतरी धनतेरस पर अमृत का एक जार लेकर प्रकट हुए थे। दोस्तों अगर आप धनतेरस के दिन पूजा करने जाते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि आपको जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। हिंदू धर्म में किसी भी पूजा को शुरू करने से पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है। इसीलिए धनतेरस पूजा शुरू करने से पहले स्नान करें और कुमकुम या चंदन का तिलक लगाएं, फिर भगवान गणेश को लाल वस्त्र पहनाएं, उन्हें ताजे फूल चढ़ाएं और इस मंत्र से पूजा की शुरुआत करें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समं प्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। तो इसके बाद से जो पूजा की विधि है धनतेरस की वो जान लेते हैं। घर की पहले से सफाई करके और पूजा घर को सजाकर पूजा की शुरुआत करें। रंगोली आम तौर पर घर के प्रवेश द्वार पर बनाई जाती है। पीतल या चांदी के बर्तन से कलश तैयार करें, फिर बर्तन में चावल, सोने चांदी के सिक्के और आभूषण, धन, हल्दी, सुपारी और सुपारी के जैसे कुछ और भी भर दें। बर्तन को ढकने के लिए लाल कपड़े का प्रयोग करें और इसकी फूल व मालाओं से सजावट करें। देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की मूर्ति को स्थापित करें और उन्हें भी सजाएं। अब दिए से इसके सामने रखें और आरती की थाली तैयार रखें, मुहूर्त में आरती करें और प्रसाद चढ़ाएं। दोस्तों बहुत दिन बाद ये संयोग बन रहा है, आपको मैंने जो भी बताया वो चीज़ आप ज़रूर बाजार से खरीद कर लेकर आए और आप धन्वंतरी भगवान की पूजा जरूर करें। ऐसे आपके घर की जो नकारात्मक शक्तियां हैं वो बाहर चली जाएगी और आपको सुख, शांति, समृद्धि बहुत ही जल्द मिलेगी। आपके घर में धन की बारिश होगी। हमारी जानकारी यहीं पर समाप्त होती है। एक बार सभी लोग बोलेंगे धन्वंतरी भगवान की जय।